हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है अरुण कुमार के एक नए ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी हम जा रहे हैं भालसुमर पूजा करने, जहां कि हम प्रत्येक साल जाते हैं बहुत दिनों से पूजा करने। नवरात्रि में हम लोग रोज जाते हैं पूजा करने, तो अभी हम वहां जाएंगे और वहां से पूजा करके जल्दी जल्दी आना है, क्योंकि इस बार हमारे गांव में भी हो रहा है दुर्गा पूजा। और ऐसा पहली बार हो रहा है, बहुत ही बड़ा मंदिर बना है और मूर्ति भी बना है बहुत सारे, और बहुत मतलब अच्छे तरीके से इस बार हो रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रही है अंदर से। तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं, इसके बाद भालसुमर से पूजा करके आते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे फर्स्ट बार पूजा होता है। और एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि हो सकता है मैं आपको लाइव भी दिखा दूँ, तो लाइव मैं फेसबुक पेज में अपने करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब चैनल का, सब कुछ सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। तो चलो हम तो नहा धो के रेडी हो गए हैं और भैया अभी नहा रहे हैं, तो चलो फटाफट पूजा करके आते हैं। जय माँ शेरावाली। तो गाइस फाइनली हम भालसुमर पहुंच गए थे और हमारा पूजा हो गया। अभी हम बजरंगबली मंदिर में हैं और चलिए आपको पूरा भालसुमर मंदिर का टूर दे देते हैं, एक बार चारों साइड से दिखा देते हैं। इसके बाद जल्दी जल्दी निकलना है घर, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम है और वहाँ मंदिर भी जाना है अपना। तो दोस्तों ये है माता रानी का मेन मंदिर, भालसुमर का मुख्य मंदिर जो है वो यही है। चलिए आपको नजदीक से दिखा देते हैं। और यहाँ पे बगल में और एक माता रानी का मंदिर है, ये देखिए। और उसके जस्ट बगल में माता रानी का और एक मंदिर है, ये देखिए बीच वाला जो है ना। और यहाँ पे एक नया मंदिर बन रहा है और उसके जस्ट बगल में एक राम मंदिर है और एक बगल में बजरंगबली का मंदिर है। तो कुछ इस प्रकार है यहाँ भालसुमर का मंदिर। चलिए यहाँ से एक बार और दिखा देता हूँ, यहाँ पे बिक रहे हैं फूल। और इधर एक मोटा सा पीपल का पेड़ आंधी से गिर गया है, देखो क्या काट लिया, बहुत ही ज्यादा चींटी। जहाँ पे हम खड़े हुए थे ना वहाँ पे बहुत ही ज्यादा चींटी था, तो एक दो हमको काट लिया। तो पूजा पाठ फाइनली हो गया भालसुमर में, अब हम दोनों भाई घर निकल रहे हैं। और जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा सा भालसुमर का जो मंदिर का दृश्य है वो मैंने आपको दिखा दिया, और पूरा मैं आपको मेले के दिन दिखाऊंगा। यहाँ पे अष्टमी को मेला लगता है, बहुत ही बड़ा मेला लगता है। एक्चुअली दोस्तों हम लोग पहले आ गए हैं, अभी कलश स्थापना नहीं हुआ है, मूर्ति जो है फाइनली पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ है, एक दो दिन में धीरे धीरे हो जाएगा। आज खैर नवरात्रि का पहला दिन है, तो हम दोनों भाई की तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। तो चलिए अब चलते हैं अपने गांव के दुर्गा मंदिर में और दिखाते हैं, क्योंकि हमारे गांव में पहली बार हो रहा है लाइफ में, तो वहां पर एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का मजा आएगा क्या। हाँ। यहाँ तो हमारा बचपन बीता है देखते देखते, लेकिन वहाँ पहली बार। पहले हम लोग ना सुबह सुबह आ जाते थे 3-4 बजे एकदम पैदल, तो अब तो बाइक हो गया, ऐसे अब पैदल कोई नहीं आता है, लेकिन पैदल आने में एक अलग ही मजा था। बाइक से तो तुरंत आ जाओ, पूजा करके चले जाओ। तो चलो अब फिलहाल घर चलते हैं और इसके बाद देखते हैं वहाँ का क्या क्या प्रोग्राम है। तो दोस्तों ये है मेरे गांव का दुर्गा मंदिर, और सामने कुछ इस तरह टेंट बना दिया गया है और बगल में और एक टेंट बनाया गया है। और सामने देखो कितना बड़ा फील्ड है मेला लगने का। तो दोस्तों अभी हम अपने गांव के दुर्गा मंदिर में हैं और पूजा स्टार्ट हो गया है। बाजार को अलग जीना पड़ेगा, अरे आप खाना चाहते हैं।
नवरात्रि वाले जितने भी हैं मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं, आप मिले लीजिए पान सुपारी भोग अक्षत चंदन। अब आप नहीं बोलेंगे, अब नवरात्रि वाले सब बोलेंगे, नवरात्रि वाले जितने हैं सब बोलेंगे हरिओम। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 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 हरि हरि नमः अद्य परमात्मने भूमो शंभो दिवे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते तो दोस्तों अभी हम आ गए मंदिर से घर और अभी लगभग 10:30-11 बज रहे होंगे और लगभग आधा पूजा कंप्लीट हो गया है और लगभग 1 घंटा लगेगा। इसके बाद आरती प्रसाद वितरण सब होगा। हेलो 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 तो दोस्तों फाइनली प्रसाद वितरण हो गया और हम प्रसाद लेके आ गए घर और पूजा कंप्लीट हो गया आज का। अब सिर्फ शाम में आरती होगा और लाइट वगैरह जितना है ना वो सभी अभी सेट कर रहा है। अब देखते हैं कि रात को कैसा लग रहा है देखने में। 2 गेट भी बनाया गया है तो रात में ही देखने में लगेगा कि आखिर कैसा हो रहा है। तो चलो अब नाश्ता करते हैं क्योंकि काफी लेट भी हो गया है और भूख बहुत जोर से लग गया है। तो दोस्तों अभी लगभग शाम के 7:30 बज रहे हैं और बहुत ही देर तक भूखे रहते ना, लगभग 12-12:30 बजे तक तो माथा दर्द देने लगा था तो हम सो गए और ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो चलो फिलहाल अभी चलते हैं मंदिर, वहाँ पे आरती वगैरह हो रहा है और गांव के जो महिलाएं हैं वो गीत गा रही है और अभी प्रसाद वितरण वगैरह होगा। तो क्या क्या होता है चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी हम मंदिर से घर जा रहे हैं और आप लोगों ने देखा महिलाएं गीत गा रही है, आवाज भी आ रहा होगा और अभी कीर्तन भी होगा, इसके बाद प्रसाद वितरण होगा। तो कुछ इस तरह रहा आज का हमारा पहला नवरात्रि का पहला दिन, हमारे गांव का फर्स्ट बार पूजा हो रहा है तो कुछ इस तरह हो रहा है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।